नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रहती है उसके अंदर जो इंटरव्यू लेते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं और उसके आप क्या जवाब दोगे। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हर जगह अवेलेबल रहता है और तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर रहते हैं जो आप लोग या बच्चे नहीं दे पाते, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे ऑटोमोबाइल में किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है ऑटोमोबाइल होता क्या है, तो आप बोलो माने ऑटोमोबाइल किस तरीके का होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं, ब्रेक का, क्लच का, इसके बाद डिफरेंशियल गियरबॉक्स, यूनिवर्सल, आपसे सबके बारे में आज आपको बताऊंगा पूरा बारी बारी से। सबसे पहले आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि ऑटोमोबाइल क्या होता है, यानी ऑटोमोबाइल का मेन अर्थ रहता है ऑटो और दूसरा रहता है मोबाइल, यानी ऑटो का अर्थ रहता है स्वयं, मोबाइल का रहता है चलने वाला, यानी स्वयं से चलने वाले जो वाहन रहते हैं वो ऑटोमोबाइल वाहन कहलाते हैं, यानी इनको सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, किसे कहते हैं, तो यानी स्वयं की एनर्जी से चलने वाले जो भी वाहन रहते हैं वो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल के रहते हैं। यानी इसके अंदर जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जलता है, यानी सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल का जो मिक्सचर जलता है वो स्वयं की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो स्वयं की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये वाहन अपने अंदर से पावर ट्रांसमिशन करते हैं और वाहन चालू होता है, इसलिए इनको सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल बोलते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से ऑटोमोबाइल वाहन होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री रहती है तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से रहते हैं, ऐसे कार हुआ, बस, ट्रैक्टर, ट्रक, मोटरसाइकिल, ये सब ऑटोमोबाइल व्हीकल रहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए किसी भी ऑटोमोबाइल में कौन कौन से बेसिक पार्ट्स लगे रहते हैं, तो सबसे पहले देखो ऐसे ऑटोमोबाइल रहते हैं बेसिक कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, सबसे ऊपर ये चेसिस रहती है, इसकी चेसिस रहेगी, इसके अंदर इंजन लगा रहता है, इसके बाद इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक रहते हैं वो फिट रहते हैं। तो तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, द चेसिस और ट्रांसमिशन सिस्टम रहता है, फिर इंजन रहता है और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मेन ऑटोमोबाइल के जो रहता है उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जो आप जब देखोगे तो उसके ऊपर कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, तो मैं आपको पूरा बेसिक समझाता हूँ, मैं आपको इंजन पे आके समझाता हूँ। सबसे पहले एक इंजन रहेगा, इंजन जब चलता है एयर फ्यूल का मिक्सचर चलता है, या जब डीजल इंजन रहता है चाहे पेट्रोल इंजन रहता है, इंजन रहता है, इंजन से पावर कहाँ जाती है, क्लच के अंदर जाती है, क्लच रहता है, क्लच का मेन काम रहता है पावर को इंगेज और डिसइंगेज करना। इसके बाद पावर जाएगी गियरबॉक्स के अंदर, गियरबॉक्स का क्या काम रहता है, स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए गियरबॉक्स का यूज किया जाता है। इसके बाद पावर जाएगी यूनिवर्सल जॉइंट के अंदर, यूनिवर्सल जॉइंट का पूछ लिया है यूनिवर्सल जॉइंट क्या रहता है, तो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जाती है प्रोपेलर शाफ्ट, फिर डिफरेंशियल गियरबॉक्स में जाती है और फिर दोनों पहियों के अंदर चली जाती है। तो पावर ट्रांसमिशन क्या रहता है, सबसे पहले इंजन, इंजन से क्लच में जाएगी, क्लच से गियरबॉक्स में, गियरबॉक्स से यूनिवर्सल जॉइंट के अंदर, यूनिवर्सल जॉइंट से प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर, प्रोपेलर शाफ्ट से फिर डिफरेंशियल गियरबॉक्स में जाती है और फिर दोनों व्हील के अंदर जाती है। तो ये पावर ट्रांसमिशन रहता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो क्लच का क्या काम रहता है, तो क्लच का मेन काम रहता है पावर को इंगेज और डिसंगेज करने के लिए क्लच का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल जॉइंट का रहता है, तो मैंने दोस्तों इनका सेपरेट वीडियो बनाया, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, हर चीज़ का वीडियो बनाया, यूनिवर्सल जॉइंट, क्लच, ब्रेक, इंजन, सब चीज़ का वीडियो बनाया, वो मेरे चैनल पर जाकर आप ज़रूर देखना, तो वहाँ में मैंने अच्छे से समझाया। इसके बाद आपका डिफरेंशियल का भी बताया। तो इस तरीके से ये पावर ट्रांसमिशन होती है। तो मैं आज आपको इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए तो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या अंतर होता है, तो आप हमेशा बता सकते हो डीजल इंजन में क्या रहता है, डीजल के द्वारा इसमें एयर, पेट्रोल इंजन में क्या रहता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर स्पार्क प्लग के द्वारा जलाया जाता है, और डीजल इंजन में क्या रहता है, एयर को ही कंप्रेस करते हैं, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल पंप फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल जैसी सप्लाई करता है डीजल, वो ब्लास्टिंग हो जाती है। तो इसमें फ्यूल पंप का यूज किया जाता है डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए इंजन के अंदर सबसे बड़ा पार्ट कौन सा रहता है, ये थोड़ा डीपली है। तो इंजन के अंदर सबसे बड़ा पार्ट रहता है सिलेंडर ब्लॉक, ये दिख रहा होगा सिलेंडर ब्लॉक, ये सबसे बड़ा पार्ट रहता है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि पिस्टन कौन से मटेरियल का बनता है, तो आपने देखा होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये देखा होगा ये पिस्टन रहता है, ये क्रैंक शाफ्ट रहती है, तो पिस्टन कौन से मटेरियल का बनता है, ये पिस्टन, तो पिस्टन क्या रहता है, कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम एलॉय का बनता है ये पिस्टन। अब आपसे पूछ रहा है जो पिस्टन पिन रहती है वो होलो क्यों बनाई जाती है, यानी
होलो क्यों बनाई जाती है, देखो पिस्टन पर रहती है होलो क्यों बनाई जाती है, तो इसका आंसर रहता है इनर्शियल लोड को कम करने के लिए पिस्टन की जो गजन पिन रहती है वो होलो इनर्शियल लोड को कम करने के लिए बनाई जाती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि क्रैंकशाफ्ट किस मटेरियल की बनाई जाती है, दिख रहा है आपको ये क्रैंकशाफ्ट रहती है किस मटेरियल की बनाई जाती है, तो क्रैंकशाफ्ट क्या रहता है दोस्तों, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, ये आपको दिख रहा है बहुत एक्यूरेसी के साथ हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फ्लाई व्हील का क्या काम रहता है, दिख रहा होगा ये फ्लाई व्हील रहता है, फ्लाई व्हील का क्या काम रहता है, फ्लाई व्हील क्या करता है, जब पावर स्ट्रोक मिलता है, देखो ये जैसे पावर स्ट्रोक मिलता है तो ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है और इंजन की स्पीड को कांस्टेंट रखता है, जैसे इंजन की स्पीड कम होती है तो फ्लाई व्हील रिटर्न एनर्जी वापस दे जाता है जिसकी वजह से ये एक आरपीएम पर चलता रहता है, तो यानी एनर्जी को स्टोर करने के लिए फ्लाई व्हील का यूज किया जाता है। आपसे पूछ लिया गवर्नर का क्या यूज होता है, तो गवर्नर क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई को मेंटेन रखता है, जैसे लोड बढ़ता है ना तो फ्यूल की सप्लाई को गवर्नर बढ़ा देता है और जैसे लोड कम होता है फ्यूल की सप्लाई को कम कर देता है, यानी फ्यूल की सप्लाई को कम ज्यादा करने के लिए गवर्नर का यूज किया जाता है और फ्लाई व्हील का यूज एनर्जी को स्टोर करता है, रिक्वायर्ड अमाउंट पर वो वापस भी दे देता है। बहुत सारे चीजें रहती है, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। और भी अब आपसे पूछ लिया जाए इंजन क्या होता है, तो इंजन एक प्रकार की मशीन है जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलती है, उस हीट एनर्जी का उपयोग मैकेनिकल एनर्जी में काम लिया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आईसी इंजन कैसे कहते हैं, तो आईसी इंजन दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक रहता है सीआई इंजन, एक रहता है एसआई इंजन। एसआई का मतलब रहता है जो पेट्रोल इंजन रहता है वो स्पार्क इग्निशन रहता है इसलिए इसको एसआई बोलते हैं, सीआई माने कंप्रेशन इग्निशन रहता है इसको सीआई बोलते हैं, जो डीजल इंजन रहता है वो सीआई इंजन रहते हैं और जो पेट्रोल इंजन रहते हैं वो एसआई इंजन रहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि स्ट्रोक क्या होता है, यानी स्ट्रोक क्या होता है, तो जो पिस्टन के द्वारा चली हुई दूरी रहती है ये स्ट्रोक कहलाती है। पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आता है, दो पोजीशन रहती है पिस्टन की, एक तो बॉटम में रहता है बॉटम डेड सेंटर वीडीसी बोलते हैं, पिस्टन टॉप में रहता है तो टीडीसी बोलते हैं, यानी टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि टू स्ट्रोक इंजन किस तरीके से होता है, उनके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस रहती है, चाहे टू स्ट्रोक इंजन हो चाहे फोर स्ट्रोक इंजन हो, उसके अंदर चार प्रोसेस रहती है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अब ये टू स्ट्रोक में टू स्ट्रोक क्यों बोलते हैं, तो इसमें क्या रहता है, दो स्ट्रोक में चार प्रोसेस रहती है, सक्शन और कंप्रेशन पहले स्ट्रोक होता है, दो ये सक्शन और कंप्रेशन पहले स्ट्रोक में होता है और पावर और एग्जॉस्ट दूसरे स्ट्रोक में होता है, तो क्रैंकशाफ्ट के एक रेगुलेशन में ही चारों प्रोसेस हो जाती है। लेकिन फोर स्ट्रोक में क्या रहता है, क्रैंकशाफ्ट के दो रेगुलेशन में ऊपर नीचे, तो क्रैंकशाफ्ट के दो रेगुलेशन में चारों प्रोसेस होती है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो मैंने इन सभी के एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया, टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, उसमें बेसिक जानकारी दी, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, उनका क्या काम रहता है, तो बिल्कुल डीपली मैंने बताया, वो वीडियो मेरे जरूर देखना। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि सीसी क्या होता है, इंजन के अंदर जो सीसी क्या होता है, सीसी का मतलब रहता है क्यूबिक कैपेसिटी, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, इसका ये फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर इनटू एल, इसके अंदर का डायमीटर मेजर कर लो और इसके अंदर लेंथ मेजर कर लो, तो ये पिस्टन कितने दूरी ट्रेवल कर रहा है तो इसके अंदर आपका सीसी निकल जाता है। आपने देखा हो कोई 100 सीसी बाइक रहती है, कोई 200 सीसी, कोई 250 कार रहती है 800 सीसी, तो ये सब ये सीसी क्या रहता है, सिलेंडर का इनसाइड डायमीटर रहता है और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किसको क्यूबिक सेंटीमीटर। आपसे पूछ लीजिए सीसी क्या होता है, आप बोलो क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक कैपेसिटी, तो पूछ लीजिए डिस्क्रिप्शन, तो आप बता देना कि पाई आर स्क्वायर इनटू एल से हम सीसी निकाल सकते हैं किसी भी इंजन का। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि हॉर्स पावर क्या होता है, यानी हॉर्स पावर को जनरली ऑटोमोबाइल में हॉर्स पावर क्या रहता है, घोड़े की शक्ति रहती है, एक घोड़ा तो हॉर्स पावर का जनरेट क्या रहा, एक घोड़ा 75 किलो का वजन एक सेकंड में उठाता है उसको हॉर्स पावर बोलते हैं, इसको हम जो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 735 वाट रहता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर रहता है 735 वाट। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो फोर स्ट्रोक इंजन रहता है, पेट्रोल इंजन रहता है, उसके अंदर क्या आता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है या एयर अकेली आती है, तो जो भी पेट्रोल इंजन रहता है वो क्या करता है, कार्बोरेटर एयर और फ्यूल के मिक्सचर को भेजता है, जबकि डीजल इंजन के अंदर ओनली एयर सक होती है और फ्यूल स्प्रे होता है, इसलिए हमेशा जो भी पेट्रोल इंजन रहता है वहां एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है और डीजल इंजन के अंदर ओनली एयर आती है। तो और भी बहुत सारे ऑटोमोबाइल में क्वेश्चन रहते हैं, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं, ब्रेक भी कई टाइप के होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, डिस्क ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, हैंड ब्रेक और बहुत
बहुत सारे ब्रेक रहते हैं, न्यूमेट्रिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक, तो बहुत टाइप के ब्रेक होते हैं, तो आप इस तरीके से बचाते हैं। क्लच कितने टाइप से होते हैं, क्लच भी बहुत टाइप से रहती है, कॉर्न क्लच, क्लॉक क्लच, सेंट्रिफ्यूगल क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, इसके बाद आपका सिंगल प्लेट क्लच, तो बहुत सारी क्लच प्लेट भी होती है, तो आपको थोड़ा बहुत क्लच प्लेट का नाम याद होना चाहिए। ऐसे आपको सेंट्रिफ्यूगल क्लच, कॉर्न क्लच, क्लॉक क्लच, इसके बाद सिंगल प्लेट क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो आप ये मेरे वीडियो आप देखोगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।